तो गाइज किसके यहाँ हो रही दिवाली की सफाई, और इधर हम भी लपटे हैं। सारा मैंने ये डिब्बे सिब्बे क्लीन करके रख दिया है, इसको भी साफ किया इन्वर्टर को, और इसको धो रहे हैं। पहले इसको पूरा चढ़ के धोया, और मेरा डर लग रहा था ना मैं इस पे से नीचे ना गिर जाऊँ, कहीं पैर वैर तोड़ लूँ। और सब अच्छे से क्लीन हो गया, बिल्कुल खिड़की उड़की पोछ लिया अच्छे से, फ्रिज भी साफ कर लिया। और ये है आटा चक्की, इसको भी अच्छे से साफ कर लिया मिक्सर। अब नीचे की बारी, तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है, फिर ले चलते हैं आपको नीचे। हाँ गए जी, ये बेडरूम है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया हमने, इसको धो दिया। और इधर भी पूरा क्लीन हो गया एकदम, हालत ख़राब हो गई है मेरी, ये देखिए मैं पूरा भीग गई हूँ। और बाल बाल सुबह 4:30-5 बजे की उठी हूँ, तब से लगातार काम है। तो दिवाली की सफाई ऐसे ही होती है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, इसको भी क्लीन करके। तो गाइस मैंने ये भी घर कंप्लीट कर लिया धो के, ये हमारा पूजा रूम है, यहाँ हम पूजा करते हैं। ये मेरे भगवान जी, जिनके आशीर्वाद से सब संभव है। और इधर आंगन धोने की बारी, और ये ना ड्रम है, मतलब जिसमें हम गेहूँ चावल वावल रखते हैं, तो अभी ये खाली किए हैं क्योंकि धान हो गया है ना खेत में, उसको रखने के लिए। और इधर एक हमारा छोटा रूम है, ये ड्रम श्रम रखते हैं इसमें, ये देखिए सब पड़ा है इसमें। और एक चीज़ दिखाएं गाइस, ये देखिए ये ना इसको कुंडा बोलते हैं, ये कुंडा है जो हमारे मतलब दादा उदा के दादा के ज़माने का है, तब का ये ऐसे रखा है। इसमें इसमें शायद सरसों रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और ये देखिए बाजरी रखी है, हाँ सरसों ही होगा। तो आज धो रहे थे तो मैं सोचा थोड़ा वीडियो दिखा दूँ आप लोग को, कुंडा किसको बोलते थे। तो मैं भी शादी के टाइम आई थी, तो हमारे घर पे नहीं था, इधर देख के मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा होता था ऐसे, इसको लाते कैसे होंगे, बहुत भारी है बहुत, बोले ऐसे सर पे लाते थे सब लोग, बहुत स्ट्रांग होते थे। और ये सब है बहुत, इसमें बस यही ड्रम सब रखते हैं और कुछ नहीं। इसको भी रखने के लिए एक रूम चाहिए ना। और ये देखिए पहले की अलमारी, इसमें क्या रखा है, इसमें ये दूध रखने वाला, और ये सब बाल्टी साल्टी और थोड़े बर्तन सर्तन, यही सब है। भाई हालत तो बिल्कुल भी खराब हो गई, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे से इसको साफ करने में लपटी हूँ, मेरे से जितना बन पाता है मैंने साफ किया इसको। और ये देखिए इसको तो मतलब खिसका के इसके नीचे झाड़ू भी नहीं लगा सकते, इतना भारी है ये। जहाँ का तहाँ, जब से मैं आई हूँ तब से जहाँ का तहाँ रखा है, इसको कोई खिसका ही नहीं पाएगा, खिसकाएगा क्यों। और इधर साफ कर लिए, और बाकी ये देखिए बाहर बरामदे को हमने भी साफ कर लिया। चलिए इस रूम को खोलते हैं, इसको भी साफ कर लेते हैं, देखिए कैसे बिस्तर पड़ा है, सो के चले गए। इसको भी साफ कर लेते हैं, इसको मैंने सुबह झाड़ू झाड़ू निकाल दिया था, अभी इसको बस धोना है। मल्ली बिस्तर फोल्ड करके ये तख्त को एक साइड करके धोते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, आज तो हालत बहुत बुरी होने वाली है। ये देखिए मैं पाइप लगाई, इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बाल्टी बाल्टी हम कितना धोएंगे। ये ना हमारे छत के ऊपर, ये देखिए ना चिड़ियों ने घर बना के रखा है, इधर ही सारी पोटी ओटी करती हैं, हम रोज परेशान हो जाते हैं, हफ्ते में एक दिन दो दिन तो हमें धोना ही पड़ता है इसको। ये देखिए कितनी क्यूट सी है ना, इसका इसमें बच्चे हैं देखिए ये, और इसके मतलब साइड साइड में ना पूरे बना रखे हैं, पूरे घर बना रखे हैं। और इस बार तो मेरे रूम में भी ये बना रही है। और इधर से हम बाहर निकल गए, और ये देखिए
हमारा आलू, गाय को खाने के लिए घास, ये जो पेड़ दिख रहा है इसमें वो बोलते हैं अरहर, अरहर ऐसे ही लगाते हैं, तो हमारे हम थोड़ा ही लगाए क्योंकि अभी पूरा इस टाइम घेरेंगे ना उससे एक तार आता है तब अरहर को बोएंगे। और उधर है लहसुन प्याज लगने वाला, उधर चना सब बोया है, अभी इसको भी साफ करना है पूरा।